सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान, हमें राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे थे संविधान कब और कैसे, ये चैप्टर चल रहा था। संविधान के निर्माण के बारे में हमने पढ़ लिया था, संविधान समितियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज ये तीसरा वीडियो है संविधान कब और कैसे। हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे और पहले विशेषता हमने पढ़ ली थी कि हमारा संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ये हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। हमने कहा कि हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। ये हम पढ़ चुके थे, सबसे बड़ा हमारा संविधान है, सबसे छोटा किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब हम दूसरी विशेषता पर बात करेंगे और दूसरी जो विशेषता है मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, या मौलिक अधिकार दूसरी विशेषता है। मूल अधिकार हमारे संविधान में है, मौलिक अधिकार, इनको मौलिक अधिकार बोलते हैं, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार की बात करें, हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हमको संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, कितने किए गए थे, 7 किए गए थे, 7 मौलिक अधिकार हमको संविधान में प्रदान किए गए थे। वर्तमान में अधिकार प्रदान है, वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। हमारे संविधान का मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उसमें कितने थे, 7 मूल अधिकार थे, कितने अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 6 मूल अधिकार है, कितने 6। एक मूल अधिकार हमने हटा दिया, वो हटा दिया संपत्ति का मूल अधिकार, कौन सा हटा दिया, संपत्ति। अब पहले 6 देखो कौन कौन से, पहला मूल अधिकार, समानता या समता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति, संस्कृति है शिक्षा का अधिकार। Thank you.
निकालना। ठीक है, कितने मोल अधिकार? छह वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में छह मोल अधिकार। कितने हैं? छह मोल अधिकार हैं। हमारे मूल संविधान में कितने? सात थे। कितने थे? सात थे। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, संस्कृति में शिक्षा का अधिकार था, इसके अलावा एक छठा था आपको संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। सातवां सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। ये कितने थे? सात थे। कितने थे? सात थे। पर हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और हमने एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब कितने हैं वर्तमान में? छह। कितने हैं? छह। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और सांविधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार समानता का अधिकार हम सबको समानता है, यानी कानून के समक्ष हमको समानता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दे रखा है? समानता का अधिकार दे रखा है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दे रखा है? समानता का अधिकार दे रखा है। अब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दे रखा है। अनुच्छेद 14 के अंदर हमको दे रखा है कानून के समक्ष समानता। किसके समक्ष? कानून के समक्ष समानता, यानी हम सबको कानून के समक्ष क्या है? समानता। सारे लोगों को, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनको कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 में दे रखा है। किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 14 में दे रखा है। वहीं अनुच्छेद 15 में हमको लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाए। वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो हिंदू या मुस्लिम हो, समझे, तो इनके आधार पर वो काला हो या गोरा हो, रंग भेद आदि के आधार पर हमको क्या माना गया है? समान माना गया है। तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग रंग आदि के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में हमको दे रखा है अवसर की समानता। क्या दे रखा है? अवसर की समानता, कि हम सबको अवसर की समानता है, सबको रोजगार की समानता है, रोजगार पाने का सबको अधिकार है। ठीक है, अवसर की समानता किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 16 में हमको क्या है? रोजगार, यानी हम सीधा कह सकते हैं नौकरी पाने का सबको क्या है? अधिकार है। अगर वो योग्य है तो वो अप्लाई करेगा, आवेदन करेगा और वो नौकरी भी उसको मिलेगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, काला हो या गोरा हो, तमाम नौकरी पाने का अधिकार उसकी योग्यता के आधार पर है। तो अवसर के हम सबको क्या है? समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता यानी छुआछूत, हम किसी प्रकार की छुआछूत नहीं करेंगे, हम सब क्या है? समान, हम सब क्या है? समान है। तो अस्पष्टता का अंत कर रखा है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसका उपाधियों का, कि हमारे देश में हम किसी प्रकार की उपाधि शिक्षा और सैनिक को छोड़कर, शिक्षा में जो उपाधियां मिलती हैं और सैनिक की जो उपाधि को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेंगे। शिक्षा में जैसे डॉक्टर की उपाधि है, अब किसी व्यक्ति ने पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से अगर PhD कर रखी है तो वो डॉक्टर है, ठीक है, अपने नाम का डॉक्टर कर सकता है। सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर जो उपाधियां, जनरल की उपाधि, ये उपाधियां दे रखी है, तो सेना और शिक्षा को छोड़कर उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत, किसी प्रकार की उपाधि हम धारण नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम विदेश में भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते। ये राष्ट्रपति के तहत हम विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है। उपाधियों का, तो मैंने बताया समानता का अधिकार, हम सबको समानता का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ठीक है ना। वैसे मूल अधिकारों की बात करूं तो मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद काम में लिए गए हैं तो वो अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद काम में लिए गए हैं, इसमें मूल अधिकारों में, ठीक है ना, मूल अधिकारों में 12 से 35 तक अनुच्छेद काम में लिए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें काम में लिए हैं समानता के अधिकार। 14 में कानून के समक्ष समानता, यानी विधि की समानता, 15 में
जाति धर्म लिंग के आधार पर, 16 में औषधि समानता, 17 में स्पष्टता का, 18 में उपाधियों का अंत। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, हम सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक काम में लिया गया, अनुच्छेद कितना 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हमको सबको स्वतंत्रता का अधिकार है हर चीज देश में। अब हमको स्वतंत्रता के 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता के अधिकार में प्रदान की गई है। सबसे पहले मैं बोल के बता रहा हूँ अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी मैं बोल रहा हूँ, ये भी हमको आजादी है, स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति की आजादी। मैं खुद अभिव्यक्ति हूँ, मैं खुद अभिव्यक्त कर रहा हूँ मेरी वाणी से, तो हमको अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरी, देश के किसी भी कोने में निवास करने की आजादी, हम देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ये हमको आजादी प्रदान की गई है। तीसरी, कि हम देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, देश में कहीं भी भ्रमण करने की आजादी, कि हम देश के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं, ये हमको आजादी दे रखी है। देश में कहीं भी व्यापार करने की आजादी, हम कहीं भी रह सकते हैं तो कहीं भी व्यापार भी कर सकते हैं। चौथी कौन सी हो गई, देश में कहीं भी व्यापार करने की आजादी। इसके अलावा देश में सम्मेलन करने की आजादी, हमको किसी प्रकार का सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, वर्षा होगी निशस्त्र, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए, निःशस्त्र शस्त्र के हम किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को हमको प्राप्त है, कि हम किसी प्रकार का सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। संघ और संगठन बनाने की आजादी, हमको संघ और संगठन बनाने की आजादी भी हमको दे रखी है। तो स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में हमको स्वतंत्रता की आजादी दी गई है, पर यहाँ तक दी गई है कि हम किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करें कि स्वतंत्रता का आजादी जिससे हमारे राष्ट्र को या किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा को ठेस पहुंचे या राष्ट्र को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी स्वतंत्रता हमें प्रदान नहीं की गई है। स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमको, यानी बोलने की स्वतंत्रता हमको दी गई है, घूमने की स्वतंत्रता हमको दी गई है, रहने की स्वतंत्रता हमको दी गई है, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमको दी गई है, संघ व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमको भी दी गई है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमको दी गई है। हम उन्हीं स्वतंत्रताओं को काम में ले सकें जिससे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र को का अपमान नहीं हो, ऐसी स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है, यानी हम सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार हमको मूल अधिकारों में प्रदान किया गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24, अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखा है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी प्रकार का शोषण किसी व्यक्ति का नहीं करेंगे, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको प्रदान किया गया है, हम किसी प्रकार का शोषण नहीं करें, अमानवता का शोषण नहीं करें, हम बाल श्रम निषेध हमको दिया गया है, बालकों का शोषण हम नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी हम नहीं कर सकते, मानव का व्यापार नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, ऐसी स्वतंत्रता हमको नहीं दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति विशेष को हानि हो रही हो, उस व्यक्ति विशेष का शोषण हो रहा हो, ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 में हमको क्या दिया गया है, मानव का व्यापार संबंधी, कि किसी प्रकार का मानव का व्यापार हमें नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 24 में बाल निषेध, हमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य, होटल है, दुकान है, रेस्टोरेंट है, वहाँ कार्य नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाल है, बाल उम्र उसकी है, और 14 वर्ष से कम बच्चे को हम किसी भी कारखाने में नहीं रह सकते, बाल निषेध किया गया है, ठीक है। उसकी वो उम्र होती है पढ़ने और लिखने की, और उस समय हम उसको किसी काम में लगा देते हैं, यानी उसका हम क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के बराबर काम करके देना है, वह व्यक्ति के बराबर, और उसको हम मात्र 100 रुपये 50 रुपये में कार्य पे लगा देते हैं, इसलिए बालकों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए बाल निषेध कहा गया है अनुच्छेद 24 में, कि हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कल कारखाने, होटल, रेस्टोरेंट पर कार्य नहीं दे सकते, उसको उसकी उम्र केवल पढ़ने की है, उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 23 24 में शोषण के अधिकार, अनुच्छेद
धार्मिक सत्ता का अधिकार होता है, इसमें अनुच्छेद 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 काम में लिया गया है। धार्मिक सत्ता का अधिकार, धार्मिक सत्ता हमको दी गई है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष देश है, भारत कैसे है धर्म निरपेक्ष देश है, इसलिए हमको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, किसी धर्म के लिए का हम संघ या संगठन बना सकते हैं, ये हमको अधिकार प्रदान किया गया है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका संघ और संगठन बना सकते हैं, किसी भी धर्म की हम पूजा कर सकते हैं, ये अधिकार हमको धार्मिक स्वतंत्रता में प्रदान किया गया है, ताकि हम धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश किसी धर्म को नहीं मानता और सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है, ऐसा है हमारा धर्मनिरपेक्ष कि हमारा देश तो किसी धर्म को नहीं मानता पर सारे धर्मों को समानता की दृष्टि से देख सकता है, ठीक है ना, तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष रह सकते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक का इसका विवरण किया गया। अगला है पांचवा, संसदीय व शिक्षा का अधिकार, संसदीय और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 29 व 30 में इसका विवरण किया गया है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा ये हमको अधिकार है, हम किसी भी संस्कृति, संस्कृति का मतलब सुनो पहले, संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन खान पीन और वेशभूषा, ये हमारी क्या है संस्कृति है। क्वेश्चन है संस्कृति किसे कहते हैं, हमारा रहन सहन हमारा खान पीन हमारी वेशभूषा ये क्या कहलाती है संस्कृति कहलाती है, तो हमको किसी प्रकार का खान पीन हो रहन सहन हो या वेशभूषा ये हमारा खुद का अधिकार है कि हम कैसे रहेंगे, हमको स्वतंत्र रखा गया है कि हम किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता है। पर मैंने एक बात कही थी कि ऐसा कार्य ना करें जिसको जिससे राष्ट्र को शर्मसार होना पड़े, हम ऐसी वेशभूषा का प्रयोग ना करें जिससे व्यक्ति विशेष को शर्मसार होना पड़े, तो इसलिए हमको स्वतंत्रता तो दी गई है संस्कृति, हमको कैसे भी रहने पहनने और खाने की स्वतंत्रता है, पर हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं उन कार्यों को करते हैं कि हम कोई सी संस्कृति हमारे अपना सकते हैं, वेशभूषा हमारे हाथ में होती है, खान पीन हमारे हाथ में और रहन सहन हमारे हाथ में, ये तो संस्कृति में हो गया। शिक्षा, शिक्षा का अधिकार हमको दिया गया है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमको है, हम देश के किसी भी कोने में कहीं भी किसी भी विद्यालय में किसी भी धर्म में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है 29 और 30 में, हमें इन शिक्षा से संबंधित संस्थाएं खोलने का अधिकार हमको है, शिक्षा संबंधित संस्थाएं खोलने का उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी हमको दिया गया है। अब इसके बाद है छठा सावधानिक उपचारों का अधिकार, इसका सावधानिक उपचारों का आइए दे रखा है अनुच्छेद 32, इसमें दे रखा है अनुच्छेद 32 में दे रखा है, ठीक है, सावधानिक उपचारों का यानी जितने भी अधिकार हमको दिए गए हैं इनका उपचार समय समय पर हम करें, ये अधिकार भी इस पर हमको प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 में, सौधानिक यानी हमारे मूल अधिकारों का उपचार करने का अधिकार भी हमको ही दे दिया गया है, ठीक है ना, सौधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक कार्य काम में ले लिए इसने मूल अधिकारों में बताया। अब इसमें अवसर 14 से 18 19 से 22 23 से 24 25 से 28 29 30 31 का है, 31 अब सुनो 31 अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 31 में हमें संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था जो 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में
अनुच्छेद 31 में आगे संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो अनुच्छेद 300 में है। ठीक है ना, यानी हमारा अनुच्छेद 31 में हमें संपत्ति का अधिकार दे रखा था। क्या दे रखा था? संपत्ति का अधिकार दे रखा था। उस संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में हमें संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था मूल संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया जो अनुच्छेद 300 में है। ठीक है, तो अब वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। अब देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। क्वेश्चन आ रहा है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उत्तर लिखना है, मूल संविधान में कितने थे? 7। कितने थे? हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे हमारे संविधान में। वर्तमान में मूल अधिकार कितने? क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 6। कितने? 6। ठीक है ना, तो मूल अधिकारों से संबंधित विवरण मैंने आपको तमाम बता दिया। ठीक है, एक बार बता दो, क्वेश्चन एंगल से आ सकता है। अगर पूछ रहे मूल अधिकार कितने अनुच्छेद काम में लिए गए, तो 12 से 35 लिए गए। कितने लिए गए? 12 से 35। और टोटल कितने लिए गए? तो टोटल लिए गए 23। कितने लिए गए? 23 मूल अधिकार टोटल काम में लिए गए। कितने लिए गए? 23 लिए गए काम में। 12 से 35, 12 से 35 9 और 15 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। पहले कौन सा हटा दिया? 31 हटा दिया। कौन सा हटा दिया? 31। वर्तमान में कितने? 23। कितने? 23। वर्तमान में कितने? 23। क्वेश्चन आ रहा है, हमारे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों में कितने अनुच्छेद काम में लिए गए? उत्तर देना है 23। कितने लिए? 23 काम में लिए। क्वेश्चन आ रहा है, मूल अधिकार में कहां से कहां तक अनुच्छेद काम में लिए गए? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक काम में लिए गए। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक काम में लिए गए। अगर क्वेश्चन आ जाए समानता का अधिकार, तो 14 से 18 तक लिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक लिए गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 लिए गए। धार्मिक सत्ता का अधिकार 25-28 लिए गए। और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार 29-30 लिए गए। और वही क्वेश्चन आ जाए सदैव उपचारों में कौन सा अनुच्छेद काम में लिया गया? अनुच्छेद 32 लिया गया। क्वेश्चन आ जाए संपत्ति के अधिकार में कौन सा अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद 31 था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के नाम से जानते हैं? तो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कौन से अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया? अनुच्छेद 300 में इसको शामिल कर लिया गया। अनुच्छेद 300 में इसको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो मैंने इनकी डिटेल से आपको बता दी मूल अधिकारों की, और संबंधित क्वेश्चन जो छोटे बनते हैं वो भी बता दिए। इसके साथ आपको दूसरी जो विशेषता थी मूल अधिकार, संविधान की दूसरी विशेषता कौन सी थी? मूल अधिकार। इसको मैंने बड़े संक्षेप में वस्तुनिष्ठ रूप में आपको समझाने का प्रयास किया। डिटेल्स आपको मैंने बताई, वो आपको याद रखनी है, उतार लेना है कॉपी में। और संबंधित क्वेश्चन इससे बनते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 44वें संविधान संशोधन इससे संबंधित था। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अच्छे टोटल कितने काम में लिए गए? 23 लिए गए। ठीक है ना, तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आपसे पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चनों पर मैंने बात की, और ये दूसरी विशेषता आपको मैंने समझाई। इसके बाद तीसरी विशेषता पर बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।